नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी अपडेट में। दोस्तों बात करेंगे आपसे आज PSTET यानी कि पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर वन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। हमने देखा कुछ समय पहले पेपर एंड हो चुका है, तो हमें एक फ्रेंड अभी पेपर मिला हुआ है। पेपर की अगर हम बात करें तो चलिए कुछ इस पेपर का अभी जितना सॉल्व हो पाया उतना आपको बता दिया जाए। जैसे आप क्वेश्चंस को मैच फ्रेंड सबसे पहले कर पाए। फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो तुरंत ही अपने इस यूट्यूब चैनल अभी अपडेट को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। चलिए बिना समय व्यर्थ किए देखते हैं कि आखिर आपका जो पेपर वन था इस पेपर वन के कंप्लीट सॉल्यूशन आखिर है क्या। फ्रेंड ये पार्ट वन है। जस्ट इस वीडियो के बाद थोड़ी ही देर बाद मैं दोबारा आ रहा हूँ, लाइव आ रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जो भी आपका पेपर वन था इसमें 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे, 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके ठीक थोड़ी देर बाद मैं लाइव आके आपके साथ डिस्कस करूँगा बाकी कुछ पूरे क्वेश्चन पर। चलिए फिर हमें बिना व्यर्थ किए हुए चलते हैं और देखते हैं बाकी क्वेश्चन के आंसर्स हैं क्या। फिर बात करते हैं, मेरे पास सेट सी है, मेरे पास फ्रेंड सेट सी है, तो जिनके पास सेट सी होंगे उसको सही से मिला लेंगे और जिनके पास सेट बी होंगे वो क्वेश्चन आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं जो अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ वहाँ पे कंप्लीट लेके आ रहा हूँ, वहाँ पे सेट ए सेट बी सेट सी अगली वीडियो में मेरा सब कुछ लेके आ रहा हूँ। फिलहाल सेट सी की बात जल्दी से करते हैं और जिनका भी होगा वो क्वेश्चन को मिला लेंगे, अपने आंसर से टिक कर लेंगे। चलते हैं, मेरा समय व्यर्थ किए हुए और वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन बात करते हैं, 31st क्वेश्चन का करेक्ट आपका आंसर है ए, 32 का करेक्ट आपका आंसर फ्रेंड है वो है बी, 33 का करेक्ट आपका आंसर फ्रेंड है वो है ए, 34th का जो करेक्ट आपका फ्रेंड आंसर है वो है बी। ओके, 34th का फ्रेंड करेक्ट आपका आंसर फ्रेंड है बी। 35th क्वेश्चन के बिना से मतलब सीधे मैं सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि जल्दी से वीडियो बनाकर आपको दोबारा दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन फिर बनाऊंगा तो थोड़ा समय लग जाता है, तो मैं सोचा कि जल्दी से जो भी पेपर्स मिले अभी तक जितना सॉल्व हो पाया उतना जल्दी आपको भेज दिया जाए, जैसे आप जल्दी से मैच कर ले। थोड़ी देर बाद जब मैं लाइव आ रहा हूँ दोबारा तो पूरा कंप्लीट देखेंगे, तो एक लाइक शेयर जरूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाइएगा, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आप के पास क्वेश्चन पेपर होगा आप मैच कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन फिर 35 की बात करते, 35 फ्रेंड बात करते, 35 क्वेश्चन का जो करेक्ट आपका फ्रेंड आपका आंसर 35 का करेक्ट आपका आंसर सी है, 36 क्वेश्चन का करेक्ट आपका फ्रेंड आंसर जो है वो है डी है, 37th क्वेश्चन की बात करें 37th क्वेश्चन का करेक्ट आपका आंसर सी है, 38th क्वेश्चन का करेक्ट फ्रेंड आपका आंसर है वो है ए है, 39th क्वेश्चन की फ्रेंड बात करें आपसे 39th का करेक्ट आपका आंसर बी है, 40th का करेक्ट आपका आंसर फ्रेंड वह भी डी है, 41st क्वेश्चन की बात करें 41st क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी है, 42 का भी करेक्ट आपका आंसर ए है, 43 की बात करें 43 क्वेश्चन का करेक्ट आपका आंसर फ्रेंड सी है, 44 का करेक्ट आंसर भी सी है, 45th की बात करें 45th का करेक्ट आंसर डी है, 45th के बाद पैरा देखने को मिलता है आपको, पैरा की बात करें तो 46th का करेक्ट आंसर आपका बी है, 47th की बात करें दोस्तों तो 47th का करेक्ट आंसर डी है, 48th क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 48th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है, 49th की बात करें 49 का करेक्ट आंसर ए है, 50th बात करें 50 का क्वेश्चन करेक्ट आंसर ए है फ्रेंड, वहीं बात करते हैं आपसे 51 का भी करेक्ट आंसर सी है, 52 का करेक्ट आंसर भी सी है फ्रेंड, वहीं बात करते हैं 53 क्वेश्चन की बात करते हैं 53 का भी करेक्ट आंसर डी है, 54th क्वेश्चन की बात करें तो उसका भी करेक्ट आंसर डी है, 55th क्वेश्चन की बात करें 55 का करेक्ट आपका आंसर सी है फ्रेंड, वहीं बात करें 56th क्वेश्चन का बात करें 56th क्वेश्चन की बात करें तो 56th क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर फ्रेंड आपका डी है, फिर वहीं बात करें आपसे 57th क्वेश्चन की बात करें 57th क्वेश्चन का करेक्ट आपका आंसर फ्रेंड बी है, वहीं फ्रेंड बात करें 58th क्वेश्चन की बात करें 58th क्वेश्चन का करेक्ट फ्रेंड आपका आंसर जो है वो भी सी है, और 59th क्वेश्चन की बात करें 59th क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो करेक्ट आपका आंसर इसका डी है फ्रेंड, वहीं लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 60th क्वेश्चन की बात करते हैं तो कुछ करेक्ट आपका आंसर फ्रेंड डी है। तो फ्रेंड हम लोगों ने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जस्ट इसके बाद दोबारा वीडियो लेके आ रहे हैं सेकंड हैस्ट इस वीडियो का पास टू लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन जो बचे हैं क्वेश्चन उन सभी को देखेंगे, और जब अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ तो उसमें पेपर के साथ लेके आ रहा हूँ आपको सेट ए सेट बी और सेट सी तीनों को देखेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर करिए, जैसे जब दोबारा लाइव आए तो सबसे पहले आपका मालूम चल पाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।